दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बुधवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान भाजपा के विधायक व पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रही है और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कांगड़ा जिला से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की करनी व कथनी में अंतर है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश सरकार से हर वर्ग दुखी है। निश्चित तौर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब भी उनको मौका मिलता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो ये महसूस करवाते हैं कि पिछली सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। आज मैंने पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर जगह की पॉलिसी के बारे में उनको बताया है। हर पॉलिसी को हमने पढ़ा है और मैंने उनको बताया है कि किस प्रकार से बहुत बड़े बड़े जो पैकेजेस के अंदर किस तरीके से वो जो है वो वहाँ पर रिलीफ दिया जाता है। और मैंने इन सारे विषयों को ब्लैक एंड वाइट में अंदर विधानसभा के अंदर रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि बाकी सबके सब लोग चोर हैं और मैं ही बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, और मैंने उनसे जो पूछा है कि जब जो उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं होंगी? क्या इतने सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मूर्ख हैं? तो एक मैंने उनसे एक प्रश्न और किया है, जो अभी एक इंडस्ट्री लगी है पंजाब के अंदर, कांगड़ा के अंदर, और वो कांगड़ा में जो इंडस्ट्री लगी है उसमें बहुत बड़ा रिलीफ जो है इन्होंने उस इंडस्ट्री को दिया है, जो रिलीफ आज तक कभी किसी को मिला नहीं। 275% SGST में जो है वो रिलीफ दिया फॉर 10 ईयर्स, ये आज तक कहीं हुआ नहीं है। मैंने उनको पूछा इसके पीछे राज बताइए कौन है, और ये बताइए, मुझे पता लगा कि पंजाब के कुछ MLAs जो हैं वो इस सारे काम में संलिप्त हैं, और ये जिस प्रकार से बोला जाता है ये यारों की सरकार है, इसी प्रकार से यारों ने इस प्रकार का आपसे काम करवाया है। लेकिन उनके पास इन बातों का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था, आपने सुना भी होगा। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री वापस जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतने ज़्यादा हैं जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस समय हम ऐसा वातावरण नहीं देंगे और जिस समय सरकार में काम करने वाले कुछ लोग जिनकी मंशा ही केवल और केवल इंडस्ट्री को चूसना है, तो मुझे लगता है उससे इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में रहने वाली नहीं है। आपके पदाधिकारियों की पिटाई हो रही है वहाँ पे, आपके पदाधिकारियों को टेंडर लेने के लिए 10% वो उसके पैसे मांगे जा रहे हैं कि जितने का टेंडर है उसके 10% दो तब होंगे। जीवन धीमान नाम से एक इनका कार्यकर्ता है, और जो हमारे वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट जो लड़ाई लड़ते हैं उनके भतीजे ने और वहाँ के मंडल के अध्यक्ष के बेटे ने उनकी पिटाई की है, वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, FIR लॉज हुई है, और उल्टा FIR उसके ऊपर भी लॉज कर दी गई है। तो इस प्रकार का वातावरण है। आज पिछले कल भी कुछ ठेकेदारों ने, लगभग 22 ठेकेदारों ने एक मेरे को मेल भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे पहले टेंडर जो है उसका फॉर्म दिया जाता है, जिस समय हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसको रद्द कर दिया जाता है, बंद कमरे में बैठ के इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार जो है वो उस डिवीज़न के अंदर है। मैंने आदरणीय विक्रमादित्य जी को भी ये बोला है कि आप वो डायरेक्टली इंटरवीन करें, लेकिन आप सारे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लूट मचा रहे हो उसको कौन ठीक करेगा? आज आप सुबह बोल रहे हो कि मैंने बोला ही नहीं कि 1 लाख नौकरियों का विषय नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मेरा जो घोषणा पत्र है उसमें ऐसा लिखा नहीं जा सकता, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने वो सारा पढ़ के सुनाया है। तो सरकार जो है वो बड़ी अनसर्टेनिटी में से चल रही है। सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप देखिए इंडस्ट्री मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर वो बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए इस पूरी सरकार का एजेंडा क्या है, इनका हिडन एजेंडा क्या है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग हिमाचल प्रदेश के अंदर परेशान है, दुखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।